अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी व्हाट्सएप की चैट को सिक्योर कर सकते हैं, मतलब कि सेव कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि व्हाट्सएप पे हमारी कई लोगों के साथ बातचीत हो रही होती है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी भी तरह की डीलिंग करते हैं ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री वगैरह से, तो वो नंबर अक्सर हम सेव नहीं करते। तो जैसे ही हम मोबाइल चेंज करते हैं या व्हाट्सएप डिलीट करते हैं और दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपने जो भी आपकी चैट हुई है वो अगर आपने सेव नहीं की, बैकअप नहीं रखा हुआ, तो वो फिर आपको बाद में उसका बैकअप नहीं मिलता। आपकी तमाम चैट और जितने भी नंबर्स होते हैं आपकी चैट में, मोबाइल नंबर्स जिनके साथ आपकी चैट हो रही होती है, वो सब के सब रिमूव हो जाते हैं। वैसे तो ये कंप्यूटर बेसिक में आती हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात है कई लोग होते हैं, जहरी बात है फ़र्स्ट टाइम तो हर चीज़ का किसी को पता नहीं होता, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप में वैसे भी अभी अपडेट्स भी आई हुई हैं और इसमें कुछ ख़तरनाक किस्म की अपडेट्स भी आई हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी को चीज़ शेयर करनी है तो एक ही टाइम में हम 20 से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर सकते। पहले होता था कि तकरीबन 250 के करीब हम एक ही दफ़ा में लोगों को शेयर कर देते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बेस पे व्हाट्सएप ने जो है इसको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो अभी हम फ़िलहाल सिर्फ एक टाइम में 20 लोगों को ही कोई भी चीज़ जो है वो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कि उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक की जानब बढ़ते हैं और व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। यह व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरा प्लगइन है, यानी कि जो बटन है, वो चैट्स का है। चैट्स के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सेकंड लास्ट में चैट बैकअप का प्लगइन हमारे पास मौजूद है। चैट बैकअप के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। गूगल ड्राइव सेटिंग्स, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप इसे नेवर कर सकते हैं। अगर आप डेली चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली तमाम जो चैट है आपकी उसका बैकअप मिल जाए, तो डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि आप खुद अपना मैन्युअली बैकअप रखें, यानी कि जब आप क्लिक करें बैकअप के बटन पे तब ही वो बैकअप तैयार करें। तो मैंने यही यूज़ करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास ग्रीन कलर का बटन मौजूद है बैकअप का। इस बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इससे पहले दही बात है आपने अपना अकाउंट देना है। मैं अभी ऑनलाइन नहीं हूं, तो मैं इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे एक बटन है अकाउंट का, यहां पे आपने अपना मेल आईडी देना है, वो मेल आईडी जिसके गूगल ड्राइव में आप अपना बैकअप जो है वो रखना चाहते हैं। तो जैसे ही जब आप ऑनलाइन होंगे, एक्चुअली मेरे पास अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो इसलिए नेट जो है वो ऑन नहीं हुआ। बहरहाल आप जब भी ऑनलाइन होंगे, इंटरनेट अवेलेबल होगा और बैकअप के बटन पे क्लिक करेंगे और आपने अपना यहाँ पे अकाउंट लाजमी देना है, अपना मेल आईडी लाजमी देना है, तो जैसे ही आप बैकअप के बटन पे क्लिक करेंगे उसी टाइम आपका जो जितनी भी चैट है व्हाट्सएप की वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो आज की हमारी ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।